कुछ लोगों को एडवेंचर पसंद होता है, लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसे होते हैं जो कि जान की परवाह किए बिना कारनामे कर दिखाते हैं। आपने ऐसे लोगों के बारे में भी सुना होगा जो कि ज्यादा ऊंचाई पर लंबी रस्सी पर चलने के रिकॉर्ड्स बनाने की कोशिश करते हैं। लोनावला शहर में ऐसे ही हाई लाइन साहसिक खेलों की स्पर्धा का आयोजन किया गया है। इस स्पर्धा में दो पहाड़ों के बीच से रस्सी पर चलना और रस्सी पर बैलेंस करने की कला दिखानी होती है। इस खेल में महाराष्ट्र से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से कई शौकीन सहभागी हुए हैं। इस खेल में एक पहाड़ से लेकर दूसरी पहाड़ तक रस्सी बांधी जाती है, उसके बाद आईएस रस्सी पर सुरक्षा उपकरणों के साथ चलना होता है। रस्सी पर चलते वक्त नीचे की गहराई लगभग 300 से 400 फीट के ऊपर होती है, जिसे आम आदमी को देखकर चक्कर आ जाए, लेकिन ऐसे में यह पार्टिसिपेट अपनी कला की नुमाइश करते हैं और रस्सी पर बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इस खेल का आयोजन शिव दुर्गे रेस्क्यू टीम द्वारा आयोजित किया गया है। इस खेल में विदेश के भी लोग शामिल हुए हैं। भारत में हाईलाइन करने का पहला किताब शिव दुर्गे संचालक रोहित वर्तक को मिला है। लोनावला के नागफणी पहाड़ के पास यह स्पर्धा का आयोजन किया गया है। स्लैक लाइनिंग इज बैलेंसिंग ऑन अ 1 इंच लाइक रोप और एज वी रेफर टू एज वेबिंग एंड योर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू बी बैलेंसिंग ऑन द रोप एंड ट्राई टू कम अक्रॉस ऑल द वे। लाइनिंग इज व्हेन यू वॉक ऑन अ नैरो रोप जस्ट अबव द ग्राउंड एंड दिस इज हाईलाइन हाई इन द एयर एंड यू हैव अ लीश एंड अ हार्नेस लाइक दिस and you're supposed to balance and if you fall you will still be caught by the line so you don't injure yourself, you won't fall to the ground. It's actually more dangerous to get on the line and off the line than actually being on the line, so being on the line is super safe. I'm in India for the Great Indian Highline Gathering where we've successfully beaten the Indian world record, which is now of 750 meters, and so I was the first person to go on the line. And I crossed it, so without falling, from one anchor to the other anchor. When I cross a line, I have a really personal aspect. I have really a specific kind of music, and I get into a kind of meditational state, and it allows me to be really focused. And so I keep this focused state during the whole line, and it's what allows me to... It's what makes me cross lines. दो पहाड़ों के बीच रास्ते पर अपना बैलेंस मिलाकर चलना और कर दिखाना यह सच में एक साहसी बात है। स्पर्धा का उद्देश्य यह है कि इस खेल को खिलाड़ी अच्छे तरह से समझे और अपना बैलेंस बनाकर आगे अपना मुकाम हासिल करे। कई खिलाड़ियों ने कहा कि इस खेल से हमें ऊंचाई से डर भगाने में आसानी होती है। ऐसे खेलों में भाग लेने से पहले उन्हें प्रैक्टिस करवाई जाती है। यह खेल देखने में इतना मुश्किल लगता है तो करने की सोचिए भी मत। इस स्पर्धे के चलते लोनावला में बड़े पैमाने पर विदेशी पर्यटक भी आ रहे हैं। इस स्पर्धे में किए जा रहे सभी साहसिक खेल को सुरक्षा उपकरणों के साथ किया जाता है। VSRS न्यूज लोनावला।